मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की सेवेंथ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25 डेटेड ऑन 23rd ऑफ दिसंबर 2020। तो बच्चों, ये सेवेंथ क्लास की आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट है जिसकी डेट हमारी 23 दिसंबर रहेगी और जो वर्कशीट नंबर 25 रहेगी। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सिनोनिम, या फिर आप सिनोनियम भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं सिनोनियम। ओके, तो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम। तो देखो बच्चों, हमें सिनोनियम के सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम। तो मतलब सिनोनिम एक शब्द या एक फ्रेज होती है जिसका एग्जैक्टली सेम दूसरा वही मीनिंग होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आप हिंदी में कह सकते हो कि पर्यायवाची, समान शब्दों वाले या समान फ्रेज जो होती हैं, वाक्य जो होती हैं, एक जैसे वाक्य या एक जैसी फ्रेज कह लो या एक जैसे शब्दों को जिनका एक ही मीनिंग, एक ही मतलब होता है, उसको हम सिनोनियम कहते हैं इंग्लिश में। और बच्चों, हिंदी में आप लोग इसको तम्बू भी कहते हैं। तो इसी तरह से एंग्री को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी तरह से डिलाइट है हमारा, तो हम इसको जॉय भी कहते हैं। तो इस तरह से आज की हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें नए नए सिनोनियम वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे। तो देखो बच्चों, किस तरह से बच्चे खुश हो रहे हैं, ये हैप्पी हो रहे हैं। तो हैप्पी का एक और मिलता जुलता वर्ड होता है, सिनोनियम कहते हैं जिसको हम ग्लैड, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। इसी तरह से ये देखो, ये बच्चे किस तरह से डर रही है, फियर, इसको फियर लग रहा है, इसका मतलब ये स्केयर रही है ना, स्केयर का मतलब भी डर ही होता है। फैट, कितना मोटा है, इसको ओबेस भी बोलते हैं, फैट और ओबेस। सैड मतलब कितना उदास है, कितना ग्लूमी बैठा हुआ है, ग्लूमी, आप इसको सैड भी कह सकते हैं कि ये लड़का कितना सैड है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लड़का कितना ग्लूमी है ना, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। तो इस तरह से हम अपने बी टास्क को देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। हमें ऐसे दो शब्द उठाने हैं जो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग रखते हैं, जिनका एक ही मीनिंग होता है इन चारों में, ठीक है। तो देखो, ए में हमें चार दिए गए हैं, एंग्री, डिलाइट, स्मूथ और जॉय। तो किन दो का मतलब एक होता है, एक तो डिलाइट, और डिलाइट का पेयर बनाएंगे हम जॉय। जॉय का मतलब भी खुशी और डिलाइट का मतलब भी खुशी। और बच्चों, एंग्री का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, गुस्सा होना, और स्मूथ का मतलब सॉफ्ट, मुलायम। इसी तरह से ब्रेव है, क्लेवर है, बोल्ड और डल। तो इसमें हम ब्रेव का जो पेयर बनाएंगे वो हम बनाएंगे बोल्ड को, ठीक है। ब्रेव का मतलब बहादुर और बोल्ड का मतलब भी बहादुर। इसी तरह से रिफ्यूज़ का पेयर हम बनाएंगे, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना। और एक्सेप्ट का मतलब तो होता है स्वीकार करना, डील कर लेना किसी से, वो भी एक्सेप्ट ही हो जाता है। डिनाई का मतलब भी बच्चों मना करना होता है। और इसी तरह से डी में मैं पेयर बनाऊंगी बच्चों आप लोगों का पुल, पुल का मतलब खींचना, और टग का मतलब भी बल से खींचना। तो इस तरह से मैंने चार पेयर बना दिए हैं आप लोगों के लिए। पहली लाइन में मैंने बनाया है डिलाइट और जॉय का, दूसरी लाइन में मैंने बनाया है ब्रेव और बोल्ड, बोल्ड। तीसरी लाइन में मैंने बनाया है रिफ्यूज और डिनाई, और चौथी लाइन में बनाया है टग और पुल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इनका पेयर बना दोगे, एक एक ए में लिखोगे आप डिलाइट और जॉय, बी में लिखोगे ब्रेव और बोल्ड, सी में लिखोगे रिफ्यूज और डिनाई, और डी में लिखोगे टग और पुल। दोनों का मतलब खींचना होता है। होप का मतलब होता है बच्चों, मैं आपको बता दूँ, उछलना, उछल कूद करना। और सिनोनियम की डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है वो हम पर्यायवाची या सिनोनियम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आगे देख लेते हैं, देखो कुछ और सिनोनियम दिए हैं इंपॉर्टेंट, आप ये भी याद कर लेना। गुड का सिनोनियम होता है वेल, एन्जॉयमेंट का सिनोनियम फन, कलेक्ट का सिनोनियम गैदर, इकट्ठा करना, एंगर का मतलब रैथ, फास्ट, क्विक, क्लोज, शट,
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये सिनोनियम के पेयर हैं, ये आप याद कर लेना। सी टास्क की तरफ चलते हैं। चूज द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमें सेंटेंस देने हैं और अंडरलाइन की गई है, उसका सिनोनियम छांटकर लिखना है ऑप्शन में से। अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट का सिनोनियम होता है बच्चों ब्रिलियंट, है ना। मतलब इंटेलिजेंट मतलब होशियार, और ब्रिलियंट भी होशियारी होता है, कहते हैं ना सी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, कितनी होशियार लड़की है ये। और माई मदर गिव मी अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ब्यूटिफुल का सिनोनियम होगा हमारा प्रिटी। ही माय पेरेंट्स आर रिच, रिच का सिनोनियम हमारा हो जाएगा वेल्दी, ठीक है बच्चों। और डी में इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और चौथे सेंटेंस में मैं देख देती हूँ, आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। टुमारो फिनिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, तो इसका हमारा ये ऑप्शन ठीक रहेगा कंप्लीट। इसमें सीरियल नंबर गलत दिए गए हैं, ये हमारा बी होगा। ये वाला हो जाएगा इसका कंप्लीट हो जाएगा, और इसका हमारा प्रिटी हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से आगे हम अपने डी टास्क को कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। बिग, बिग का सिनोनियम बच्चों होता है हुग, एच यू जी ई, हुग। आप यहाँ पर यू लिख लेना। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी, टी वाई, ई एम पी टी वाई, एम्प्टी। और इल, इल का मतलब बीमार, सिक, एस आई सी के, सिक। इसी तरह से इधर देख लेते हैं, क्विक, क्विक का मतलब होता है रैपिड, आर ए पी आई डी, रैपिड। और फुल, फुल का मतलब होता है इडियट, आई डी आई ओ टी, इडियट। और क्लीन का मतलब होता है बच्चों टाइडी, कहते हैं ना कितना टाइडी रूम है, क्लीन रूम है। तो इस तरह से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लोगे। आपने इस वर्कशीट के थ्रू काफ़ी सारे सिनोनियम्स को जाना, सिनोनियम्स की डेफिनेशन को जाना, आपको पता चला कि इंग्लिश में सिनोनियम हम किसको कहते हैं, एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स जिसका एक जैसा मीनिंग होता है उन वर्ड को हम सिनोनियम कहते हैं, और हिंदी में हम इसको पर्यायवाची कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से आज की हमारी ईजी वर्कशीट थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।